गोल पटोल था क्या? हाँ सर, आई वॉज 94 किलो सर पहले, नाउ आई एम 75, सो रियली वर्कड आउट. तो ये स्विस भी लगी लगी क्या कि वैसी? नहीं नहीं वैसी है. सो यस हेल्पिंग गैरी, डिड यू वॉच रोडीज? सर, आई एम बिग फैन, सुपर फैन ऑफ रोडीज एंड स्प्लिट्सविला सर. रियली? सो यस सर. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट आरुषि एंड आमिर? सर आरुषि इज अ वेरी पर्सनैलिटी सर, एंड मतलब थोड़ा पहले बाहर निकल गई, बट वन ऑफ द लाइक टॉप 3 कंटेंडर्स. एंड अमित सर, अमित जब शाइन हुआ आफ्टर दैट द बास्केटबॉल वन, बूम सर मत बोल भाई प्लीज. बाम. अभी कोई नहीं, एपिसोड को आन दो और सारे फिर हम आपको सर बोलेंगे. हाँ बिल्कुल. मुझे मेरे साथ प्लीज मुझे अपने नाम से बुलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. Got it. So, Nikhil, Gary, जब आप सब वहाँ पे केरला में पहुंचे, आप क्वारंटीन में थे, मैं भी क्वारंटीन में था क्योंकि मेरा एक दूसरा शो चल रहा था, which we're not going to talk about as yet because we haven't spoken about it as yet. अच्छा, आपकी बात है. मैं भी वहीं पे था लगभग. मगर जब इनका शो शुरू हुआ था ना, इनका शो जब शुरू हुआ था उस टाइम पे मेरा क्वारंटीन चल रहा था क्योंकि मैं वहां पे लेट पहुंचा था, और शूट खत्म होने के बाद मेरे रूम के बाहर एक क्रू का बंदा चल रहा था, तो मैंने कहा कि यार कैसे गया आज, पहला दिन था शूट का. जैसे बहुत हालत खराब हो गई, सबको सनबर्न हो गया, पूरे लड़के सबके पीठ में सब जल. एंड इज दैट व्हाट हैपेंड? बिकॉज़ यू गाइस वर स्टैंडिंग ऑन द बीच इन दैट आउटफिट एंड यू गाइस गॉट बर्न्ड लाइक क्रेजी. यस सर. हु वाज दैट गाय जो ऐसे खड़ा था? वो निखिल, हिज निखिल. निखिल ज्यादा जो आई एम टेलिंग यू, सबसे ज्यादा उसकी मजी होगी. ऐसे खड़ा था पूरे. कम से कम उसके ऊपर कपड़े तो थे ना. जी वाज यू. गैरी वाज वेयरिंग सम स्ट्रैप. केविन का भी कोई स्ट्रैपी कोई जैसे चीज था. बॉडी बनाई है. पीठ तो छिल गए एकदम से. अरे मजा भी तो आ रहा है. लड़कियों को बॉडी फ्री है, उनको मजा आ रहा है, बट वो बेचारा ऐसे ही खड़ा है. लुक एट आरुषि गिगलिंग. शी इज लाइक, ये एपिसोड तो देखना ही पड़ेगा. देखना पड़ेगा. वेरी नाइस. So what was that experience like, Gary, standing in the sun? Sir, पहली बार तो मतलब मैं कभी ये शूटिंग ये वो करानी, और बाद माँ खड़े थे तो रन सर आते हैं, कहते हैं कि वेरी गुड जॉब बॉयज, मतलब कि दिमाग में सोचो तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं. मैं कहा फिर सर को उसके बाद मतलब वहां पे खड़े रहे, और सर मतलब ऐसा हुआ कि एवरीबडी गॉट टैन बट आई गॉट लाइक बर्नड, लॉबस्टर बर्नड. So, yeah, because your skin is also lighter, so you must yes. have like burnt like this. उसके बाद सर, फिर उसके बाद जैसे शूट करता हुआ क्रीम क्रूम लगा रहा था सर.